मस्तियाँ नहीं कर। अच्छा मस्ती का रहे हैं। जी, तो ये मेरा लैपटॉप है कोई 1996 का, और ये सारे निशानात देख रहे हैं आप, ये इसके लगाए हुए हैं। अबे साले, कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अच्छा जी, तो ये लैपटॉप है, इसको हम ऑन करते हैं। और ये माशाल्लाह से आप देख सकते हैं निशानात इस पे, इतनी चार्ज भी है। यानी मैं बहुत अच्छी, ये देखें ये स्क्रीन आपको नज़र जो नहीं आ रही इस टाइम, ये इसकी वजह से नहीं नज़र आ रही। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी इस हरकत पे? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सवाद अहमद खान हियर। और अभी जो आप वीडियो देख रहे थे वो मैंने लैपटॉप की रिकॉर्ड की थी, क्योंकि लैपटॉप जो है ख़राब हो चुका है, लैपटॉप की स्क्रीन ख़राब हो चुकी है सोनू की वजह से। और सोनू जो हमारा अफ्रीकन ग्रे पैरेट है, उसका नाम उन्होंने रखा हुआ है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ब्लू एरिया में एक्स्ट्रा कंप्यूटर्स पे, बाकी अभी जाते हैं वहाँ पे ब्लू एरिया में, देखते हैं क्या सूरत हाल है। और मैंने गोप्रो का माउंट भी लेना है हेलमेट के लिए, तो क्योंकि मोटो ब्लॉग्स करने हैं तो वो ज़रूरी है, तो वो अभी लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। तो अभी चलते हैं। ओके जी, तो हम पहुँच चुके हैं एक्स्ट्रा कंप्यूटर्स पे, और ये यहीं पे तहजीब के साथ ही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं लैपटॉप चेक कर रहा था, इसकी स्क्रीन का प्रॉब्लम है। वो तोते ने ना साइड से स्क्रीन डैमेज, स्क्रीन रिप्लेस हो गई। रिप्लेस हो गई कितने में? इसकी स्क्रीन तकरीबन हो गई आपकी कोई 10-11 हज़ार के रेंज। 10-11 हज़ार जी, लैपटॉप भी 10-11 हज़ार। इसके बाद ना ये आपको लगेगा डबल टेप से, ठीक है। एक और भी होता है जो वाई शेप का होता है, बता रही वी शेप का होता है, वो इसके साथ लगता है। मैं आपको दिखाता हूँ, निकाल लूँगा। अच्छा, ये हेड है, ये आपके कैप का हेड नहीं होता है। ये डबल कैप आपने लगा के ना? जी जी, नहीं काम ये इस पे नहीं लगेगा। क्या प्राइस है इसकी? ये आपको मिलेगा पूरा 1000। अच्छा जी, तो यह आइसक्रीम शेक है, अगर आपने खाना है तो आ जाए, वरना मैं खा रहा हूँ क्योंकि गर्मी काफ़ी हो गई है। वनीला आइसक्रीम शेक है, आई लाइक इट। और ये दराज से पार्सल आया है, ये मैं आपको खोल के चेक करवाता हूँ इसमें क्या है। अच्छा, बाहर मैंने ब्रेक नहीं ली, मैं काम वो कहाँ के सीधा आके फिर आपसे बात करूँगा। वो ये कि मैं लैपटॉप लेने गया हूँ ठीक करवाने, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसकी स्क्रीन ख़राब है, इस पर 11,000 रुपये लगेगा। तो मैंने कहा 11,000 रुपये लगाने से बेहतर है मैं इसको ना ही ठीक करवाऊँ, क्योंकि यार उस लैपटॉप की वर्थ नहीं है 11,000 वाली। वो बहुत पुराना लैपटॉप है, घर में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। वैसे तो एक दूसरा लैपटॉप भी है तो वो घर में होता है, वो यूज़ कर लेते हैं, तो ये वाला मेरे यूज़ में था है, तो इसको ठीक कराने से बेहतर है मैं नया लैपटॉप ले लूँ, क्योंकि इस पर 10-11 हज़ार लगाऊँगा, ये ठीक होगा। फिर कुछ अरसे बाद इसने कोई और मसला निकाल देना, पहले इसका कीबोर्ड ख़राब हो चुका है, इसका माउस पैड ख़राब हो चुका है, इसका और क्या क्या मसला, मदरबोर्ड ख़राब हो चुका है, सब कुछ तो चेंज हो चुका है, तो अब स्क्रीन हो गई है, तो फजूल खर्ची है इस पर। इससे बेहतर बंदा नया लैपटॉप ले ले, अब जनरेशन चेंज हो गया। जब नया लेंगे वो भी आपको दिखाऊंगा, मैं नया लैपटॉप इंशाल्लाह लेंगे कुछ अरसे तक, फिलहाल तो काम चल रहा है। दूसरा, मैं गोप्रो माउंट हेलमेट वाला ढूंढता रहा ब्लू एरिया में, मैंने कहा यार कहीं तो मिल जाएगा, मैं उनको कह रहा हूँ वाई शेप में होता है वो वाला चाहिए, वो उनके पास नहीं था, किसी के पास भी नहीं था,
ब्लू एरिया में इतनी है नहीं शॉप्स कैमरा रिलेटेड जो है, उनके पास GoPro का स्टफ होता है लेकिन हेलमेट माउंट नहीं है जो मुझे चाहिए था। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने जो दराज से ऑर्डर किया है, तो जो दराज से मैंने ऑर्डर किया है वो बिल्कुल वही है जो मुझे चाहिए था, ठीक है। वो असल में चाइना से आ रहा है, तो चाइना से आते हुए उसको 20-25 दिन लग जाएंगे आराम से, और तब तक पता नहीं क्या होगा। खैर मेरा ख्याल है रमज़ान गुजर जाएगा, रमज़ान के बाद आएगा वो, फिर GoPro मतलब मोटो व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इनके पास जो अमाउंट थे वो जो अमाउंट है वो मेरे पास भी पड़ा हुआ है, वो हेलमेट के ऊपर नहीं लगता इससे। वो हेलमेट की जो शेप है वो थोड़ी कर्वी सी है, और वो कर्व के ऊपर अगर आप चिपकाते हैं तो वो नहीं चिपकता पक्का। वो कहते हैं एल्फी से आप जोड़ लेना, मैंने कहा हेलमेट ख़राब हो जाएगा इसलिए आप रहने दें। तो मैं फिर वापस गया, मैंने ऑनलाइन देखा, वहाँ से मैंने ऑर्डर कर दिया, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो जी ये वाला वो अमाउंट है जो मैं ढूँढ रहा था, और ये ठीक है, ये इसके पीछे बनी होती हैं ब्रैकेट सी, ये हेलमेट के साथ बंदा टाई कर सकता है और इस तरह ये लग जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा प्यारा व्यू देगा और बड़े मज़े की चीज़ है ये। सो ये मैंने मंगवा लिया है, इसकी कॉस्ट सिर्फ 620 है, ठीक है। अभी डिस्काउंट भी चल रहा है शायद इसलिए, नहीं डिस्काउंट नहीं होता, ये प्राइस इतनी होती है, ये डिस्काउंट जब लगना होता है उस टाइम बढ़ा देते हैं तो फिर इतना हो जाता है। अच्छा अभी जो मेरे पास पार्सल आया है वो है ये बेसिकली है टैंक पैड जो मैंने मंगवाया है, और अभी मेरा मूड थोड़ा सा चेंज हो रहा है बाइक की मॉडिफिकेशन के हवाले से, तो मैं सोच रहा हूँ अभी ये लगाऊँ या ना लगाऊँ। लगाना तो है लेकिन जो मैं माइंड में चल रहा है उसमें ये है कि पहले वो काम होगा फिर ये लगेगी, रैपिंग होगी उसके बाद लगेगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। तो ये है जी वो टैंक पैड जो टैंक पे लग जाएगा और बड़ा फिट लगेगा। थोड़ी सी मुझे इनकी पैकिंग वगैरह अच्छी नहीं लगी क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा, तो ये लगा के चेक करेंगे। अभी मैं लगा नहीं रहा, अभी मैंने इसको डिसाइड करना कि कब लगाना है कैसे लगाना, जब मैं लगाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। अभी प्रो ग्रिप, और मेरा जो आइसक्रीम शेक है वो ठंडा हो रहा है तो वो मैं पी लेता हूँ। चीयर्स। सो बाइक की आगे मॉडिफिकेशन होने वाली है, उनकी वीडियोस का वेट करें आप, ठीक है। बड़ा मज़े का मैंने चेंज सोचा हुआ है, तो अगर मेरा मूड ना चेंज हुआ तो बाइक बड़ा फिट चेंज हो जाएगा। थोड़ा ज़ाहिर है कॉस्ट आएगी उस पर, रैपिंग वगैरह है, तो अगर अच्छी वाली रैपिंग होती है वो 7-8 हज़ार की होती है, जो नॉर्मल होती है मतलब जो कम टाइम तक चलती है वो उतरने लग जाती है, वो होती है 2-3 हज़ार में, ठीक है। तो मैंने करानी तो टेम्परेरी है लेकिन अच्छी वाली करवाऊँगा, देखते हैं कैसा निकलता है बाइक। इंजन गार्ड का मेरा मूड था लेकिन वो क्रैश गार्ड की वजह से नहीं लग सकता, और क्रैश गार्ड उतारने का मेरा मूड नहीं है, ठीक है। तो वो काफ़ी हेल्पफुल होता है, मुझे उसकी आदत भी हो गई है, और खैर देखते हैं आगे क्या बनता है, क्या सिचुएशन बनती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़। Damn, it's gonna be a long night. Yeah.